गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद भावना। कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ नवरात्रि मेकअप लुक सब लोग। तो गाइस आज का जो मेकअप लुक रहेगा वो थोड़ा बोल्ड रहेगा, ब्लैक स्मोकी आईज। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले मैं अपनी स्किन को प्रेप करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना CTM कर लिया था, क्लींजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजर, गुड वाइब्स का मैंने सीरम लगाया था, बायोटिक का मॉइस्चराइजर लगाया था एंड अच्छे से अपनी स्किन को प्रेप कर लिया था ताकि जो मेकअप है वो और ज़्यादा फ्लॉलेस लगे। नेक्स्ट टाइम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी इल्यूमिनेटर बेस। ठीक है, इससे क्या होगा ना, ये स्ट्रॉप क्रीम का काम करेगा, अच्छे से आपकी जो स्किन है उसको बहुत ज़्यादा ड्यूई एंड ग्लोइंग बना देगा। तो देख सकते हो गाइज इसे लगाने के बाद जो मेरी स्किन थी वो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। उसके बाद गाइज मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक का प्राइमर लिया था, मिनी वाला प्राइमर लिया था मैंने, अभी तक मेरा चल रहा है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि जब भी मेकअप करते हो तो थोड़ा सा ही लगाना होता है, बिल्कुल लिटिल अमाउंट में आप लगा लेना, आपका काफ़ी चल भी जाता है। उसके बाद गाइज मैं अपने फेस को करेक्ट करूँगी, तो मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। जो भी मेरे डार्क एरियाज है उस पर पहले मैं कंसीलर लगाऊंगी एंड उसके बाद मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से उसे ब्लेंड कर दूंगी अच्छे से। देख सकते हो गाइज करेक्टर लगाने से क्या होगा, बाद में जब मैं फाउंडेशन या कंसीलर लगाऊंगी तो जो स्किन का कलर है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कहीं पर ज़्यादा डार्क या फिर ज़्यादा वाइट, ठीक है, इक्वल बेस आएगा। उसके बाद फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया लैक्मी 925 का फाउंडेशन। दिस इज़ माय फेवरेट फाउंडेशन गाइस, इसकी जो कवरेज है वो भी मीडियम है और अच्छा लगता है मुझे ये। नेक्स्ट गाइस मैं यहाँ पे कंसीलर लगा रही हूँ, कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का अगेन, वो वाला गाइस मैंने ऑरेंज कलर का लगाया था एंड ये जो कंसीलर है ये मेरी स्किन टोन से 2-3 शेड लाइट है, ठीक है, इसको लगा के मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया था। उसके बाद अपने फेस को कॉन्टोर करेंगे ताकि जो बहुत ही अच्छा सा लुक आए, चिजल सा फेस लगे और एक डायमेंशन मिल जाए फेस को, ठीक है। कॉन्टोर के लिए गाइज मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे NYBA की कॉन्टोर स्टिक, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड भी हो जाती है। गाइज ये मैंने सेल पे 99 रुपीज़ की बाई की थी और बहुत ही अफोर्डेबल येट बहुत ही अच्छे है, मुझे अच्छा लगा ये वाली कॉन्टोर स्टिक, काफ़ी टाइम से मैं ये यूज़ भी कर रही हूँ। तो उसके बाद गाइज मैंने यहाँ पे कॉन्टोर ब्रश लिया था एंड उससे आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने अपना कॉन्टोर है जो अच्छे से ब्लेंड आउट कर दिया। नेक्स्ट टाइम यूजिंग यहाँ पर कॉम्पैक्ट के लिए मैं यूज़ कर रही थी गाइज यहाँ पे फेसेस कैनेडा का कॉम्पैक्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पे शुगर का ब्रॉन्जर लिया है, जो भी मैंने कॉन्टोर किया था उसके ऊपर ब्रॉन्जर लगा लिया था। उसके बाद NYBA का मैंने यहाँ पे ब्लश लगाया है इन द शेड पिंक था, ठीक है, एंड उसको नोज पे भी लगा लिया था। और हाइलाइटर के लिए भी गाइज मैंने यहाँ पे NYBA का हाइलाइटर लिया है, जो भी हाइलाइटिंग एरिया है आपकी अच्छे से मैंने वहाँ पे हाइलाइटर लगा दिया था, क्योंकि हाइलाइटर के बिना तो गाइज मेकअप अच्छा ही नहीं लगता, तो मुझे मेरा फेवरेट पार्ट है हाइलाइटर लगाना। नेक्स्ट गाइज मैं अपनी ब्राउज को फिल करूँगी स्विस ब्यूटी की यहाँ पे पेंसिल ली है एंड उसके बाद मैंने स्पूली से उसको सेट कर लिया। आई मेकअप स्टार्ट करते हैं गाइस, आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे हुडा ब्यूटी का नोटी पैलेट लिया है एंड उससे क्या किया ना, एक ब्राउन शेड लिया है, अपनी क्रीज को डिफाइन करूँगी ब्राउन शेड से, अच्छे से क्रीज पे लगाना है और ऐसे इनर कॉर्नर तक लेके आना है। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे अपनी आउटर वी पे ना एक डार्क ब्राउन शेड लगाऊंगी एंड उसको अंदर की साइड को ब्लेंड करूँगी। तो देख सकते हो गाइस मैं किस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। अब इसके बाद गाइस यहाँ तक मैंने नहीं सोचा था कि मैं ब्लैक स्मोकी आइज करूँगी, मैंने सोचा था कोई कलर लगाऊंगी, बट मेरा मन करा कि ब्लैक ड्रेस पे ना स्मोकी आइज जो है वो अच्छी लगेगी। उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे देखो मैंने कुछ भी काजल वगैरह से स्मोकी आइज नहीं करी आज, मैंने बहुत जल्दी जल्दी में स्मोकी आइज की है, सिर्फ मैंने ब्लैक आई शेडो लगाया एंड उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया, ठीक है, तो अच्छा लग रहा था वो भी। उसके बाद यहाँ पे मेबलिन का मस्कारा लिया था, मस्कारे से अच्छे से 2-3 टाइम मैंने अपनी लगा लिया था मस्कारा, ठीक है, कोट कर ली थी अपनी लैशेस को अच्छे से। और यहाँ पे मैं वाइट काजल लगा रही हूँ, वाइट काजल लगाने से क्या होता है ना आपकी आईज जो है वो बहुत ही अच्छी लगती है गाइज। हाँ मैंने ना ये न्यू पैलेट बाय किया है मार्स कॉस्मेटिक का, मार्स कॉस्मेटिक होता है पता नहीं गाइज, मार्स का पैलेट लिया है तो उसमें से मैं यहाँ पे अपना देखो गाइज मैंने जो मेकअप है ना, जब भी मैं
आईज बोल्ड रखती हूँ तो मैं जो मेरा लिप शेड है ना वो न्यूड ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा बैलेंस आउट हो जाता है ना। ऐसा नहीं कि अगर मैं डार्क शेड लगा लेती हूँ और मैंने आईज भी बोल्ड कर ली तो बहुत ही ओवर द टॉप लगता। अभी मैं यहाँ पे ना सिर्फ न्यूड कलर लगा लिया था एंड उसके ऊपर मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक का लिप ग्लॉस लगाया तो बिल्कुल अच्छा लग रहा था, देख सकते हो गाइज, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं लग रहा था। और फेस्टिवल में तो गाइज इतना तो चलता ही है ना। उसके बाद गाइस फेसेस कैनेडा का मैंने मेकअप सेटिंग स्प्रे लगा लिया था, आपके मेकअप को अच्छे से स्टे करेगा एंड उसको एक ब्यूटी ब्लेंडर से ऐसे डैब डैब कर लो तो वो थोड़ा सा ब्लेंड आउट हो जाता है। उसके बाद गाइस मैं क्या करूँगी ना, नवरात्रि मेकअप लुक है तो ऑब्वियसली वो बिंदी लगाएंगे, मेरे पास कोई भी बिंदी नहीं थी तो मैंने क्या किया था ना, ब्लैक कलर की उसी पैलेट में से जो मैंने न्यू पैलेट बाय किया है उसी पैलेट में से और लिप ब्रश ले लिया था एक, उसी से मैंने एज ए बिंदी भी लगा ली थी। और ये जो बनाते हैं ना, ये जो साइड में आईज के बिंदी लगाते हैं, आई डोंट नो इसे क्या बोलते हैं, तो ये भी लगा लिया था मैंने। और यहाँ पे चिन पर भी इसी तरीके से मैं ड्रॉ कर लूँगी, एक फ़ोटो में देखा था मैंने, फ़ोटो में देख के मैंने भी बना लिया था, तो देख सकते हो गाइस अच्छा लग रहा था। पहले तो बन नहीं रहा था, एक दो बारी मैंने उसको हटाया एंड उसके बाद दोबारा लगाया तो वो बन गया था, देख सकते हो गाइस। उसके बाद गाइस मैं अपनी ज्वेलरी यहाँ पे, ऑब्वियसली नवरात्रि मेकअप लुक है तो ऑक्सीडाइज जो ज्वेलरी है वो बहुत ही अच्छी लगती है ऐसे मेकअप लुक पे, तो मैंने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जितनी भी मेरे पास ज्वेलरी थी ना सारी मैंने निकाल ली, मैंने कहा जो मिक्स मैच होगी वही पहन लूँगी। ईयर रिंग्स के लिए मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज थी कि बड़े वाले डालू कि छोटे वाली, तो बट ये छोटी वाली झुमकी जो है बिल्कुल मेरे आउटफिट के साथ जा रही थी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। नेक्स्ट गाइज एक ये जो देख रहे हो मैंने टीका लगाया था ना, ये एक मैंने हैक किया था, ये मांग टीका नहीं है, ये क्या है ना मेरा ईयर रिंग है, ठीक है। इस ईयर रिंग के अंदर मैंने अपनी एक चैन पड़ी थी मेरी नेक पीस की, तो उस ईयर रिंग में मैंने वो चैन लगा के एंड उसको टिक टैक पिन से ऐसे लगा के, तो देख सकते हो मैंने टीका बना लिया, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, ठीक है। देख सकते हो गाइस, आप बताना मुझे कमेंट डाउन करके कि आपको कैसा लगा ये हैक। और हेयर स्टाइल के लिए कुछ भी नहीं, जस्ट हल्का सा पफ बना लिया था और ऐसे हेयर को पिन अप कर लिया था पीछे से। नेक्स्ट हम अपने दुपट्टे को सेट करेंगे, तो वैसे ही जैसे कि इस मेकअप लुक में होता है इस तरीके से मैंने लगा लिया था दुपट्टा, आगे से इस तरीके से होता है पीछे से वैसे, है ना। उसके बाद गाइस हेयर के लिए तो कुछ ज़्यादा करा नहीं था मैंने, बस वही मैंने देख सकते हो फ्लिक्स निकाल ली थी एंड हल्का सा पफ बना लिया था, और पफ के अंदर ही ना मैंने ये जो चैन वगैरह ये कवर अप कर दी ताकि पता ना चले कि मैंने हैक से बनाया मांग टीका, ठीक है। तो गाइज देख सकते हो दिस इज़ द फाइनल लुक, कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना। उसके बाद गाइज रेडी होने के बाद मैं अपना शुरू हो गई अपनी रील्स वगैरह शूट की, शॉर्ट्स बनाई बहुत सारी, तो देख सकते हो गाइज ये मैं रील्स शूट कर रही हूँ तो मैंने बीच बीच में शॉट ले लिए थे। दिस इज़ द फाइनल लुक गाइस, आई होप आप लोगों को पसंद आए, अगर पसंद आए तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना। हैप्पी नवरात्रि, बाय, लव यू।